वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपने आप को कहती है मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, मैं बहुत बड़ी मॉडल हूँ, मैं बहुत बड़ी ब्राइडल शूट्स करने वाली लड़की हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पता नहीं क्या 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 कुछ हूँ। बच्चों से पेंसिल चोरी करके लव लेटर लिखना इनकी आदत है। प्लीज़ वेलकम इकरा उर्फ जोया, कैसी हैं आप? दिया दिया दिया, असल में मैं आपको देख के इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। आप दिया मिर्जा की बहन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं लॉकेट भी दिया पहना हुआ है, अब जाके देखा मैंने। सही सही, वो क्या है, मैं जब जब चश्मा लगाता हूँ तो मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। सही, आपने भी आज ग्लासेस दिखाए हैं लेकिन ऊपर, क्या वजह है? बस बालों को थोड़ा सा सेट करने के लिए। अच्छा, सेट करने के लिए। ये खूबसूरत लॉकेट किसने गिफ्ट किया आपको? ये मैंने खुद ही गिफ्ट किया खुद को। खुद को? अच्छा, सही सही। अच्छा राइट, अच्छा दिया का मतलब किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, मेरी खाला ने दिया। खाला ने दिया जी, शॉकिंग न्यूज। दिया का मतलब दिया है और दिया जो दिया इनकी खाला ने दिया इनको लॉकेट जी। अच्छा ये बताइएगा कि दिया ये सोने का है या फिर धोखा है मेरी आंखों का? ये धोखा है आपकी आंखों का। मेरी आंखों का धोखा है? अच्छा सही है। आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे वो भी पहने हुए हैं, क्या कहते हैं इनको? ये गोल्ड के हैं। ये गोल्ड के हैं, पक्की बात है? अच्छा, यानी कि खतरा है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा दी, अभी मैंने आपकी खैर वीडियो देखी, माशाल्लाह से आप बड़ी कॉन्फिडेंट हैं और डांस बड़ा अच्छा करती हैं, और आपकी मोस्टली टिकटॉक में आपके साथ कोई ना कोई फ्रेंड भी होती है, तो आपको फिल्मों में आने का शौक है? नहीं, मुझे ड्रामों में आने का शौक है। नहीं, बात तो एक ही हुई। अच्छा अच्छा सही। नहीं, फिल्म और कैटेगरी में होती है, वो और 3 घंटे में खत्म हो जाती। अच्छा, है ड्रामा कभी खत्म नहीं। आप चाहती हैं कभी खत्म ना हो, बस मैं हर टाइम एक्टिंग करती रहूं। अच्छा सही, रात के सोते हुए भी एक्टिंग करती हूं। अच्छा राइट सही। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन है? फेवरेट जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा, अच्छा कोई खास वजह? बस ऐसे उसके लुक्स अच्छे हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। अच्छा, इसलिए। आप फॉलो करती हैं उनको? नहीं, फॉलो तो नहीं करती, मतलब अच्छा लगता है देख के। देख के अच्छा लगता है। अच्छा सही। कितने अब तक आप ब्राइडल शूट्स कर चुकी हैं? मतलब ब्राइडल और सारे मिला के ऑलमोस्ट 10 to 15 कर चुकी हूँ। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट क्या था? कि मुझे उन्होंने ब्राइडल का ड्रेस पहनाया हुआ और मुझे तैयार किया हुआ, और यहाँ पे F9 अच्छा। में मेरा शूट हो रहा था। अच्छा। और वो मुझे कह रहे हैं कि दुल्हन की तरह बिहेव करो, और मैं भाग रही हूँ, कभी इधर ये मेरा नाक छिदा हुआ नहीं है ना, तो अच्छा। वो नोज पिन उन्होंने जो मुझे डाली वो बार बार। नहीं, आप बैल है। नाक छिदा हुआ नहीं, आप तो बैल, बालों वाली बात है। नहीं, मतलब लड़कियों के होते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा नाक छिदा कर, नहीं तो आपका एंट्री बंद। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने बस वो जो नथ होती है डाली हुई, नथ होती है, ठीक है। अच्छा, नट डाल दी उन्होंने, यानी कि आप कंट्रोल में थी उनके। उन्होंने डाली पर मैं उनके कंट्रोल में फिर भी नहीं आई। फिर भी नहीं आई, बातें फिर भी करती रही। फिर मैं बातें कर रही थी, भाग रही थी। अच्छा। मुझे कह रहे थे तुम दुल्हन हो, तुम दुल्हन हो। मैंने कहा दुल्हन इसका मतलब अगर आप, अगर आपकी शादी होगी तो आप तो भाग जाएंगी बीच में, है ना, यानी कि आप किसी हाथ नहीं आती। अच्छा अच्छा अच्छा, सही से। तो उसमें और इंटरेस्टिंग मोमेंट क्या था आपका? बस यही था, मुझे मतलब जो सबसे अच्छा। आप भाग रही थी, आपको पीछा कर रहे थे, वो पीछे, और आपने कहा रोक सको तो रोक लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। सही, मैंने सुना मार्केटिंग भी करती रही हैं आप? हाँ, मैं करती रही। कहाँ कहाँ मार्केटिंग की आपने? मैंने बेसिक जो फर्स्ट टाइम शुरू किया था वो EFU लाइफ इंश्योरेंस से शुरू। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बस नॉर्मल, बस सो सो रहा। अच्छा, कितने मंथ्स उनका दिमाग खाया आपने? मैंने एक साल ऑलमोस्ट की है, एक साल के ऊपर एक महीना। वो तो तंग आ गए होंगे आपसे? वो मुझसे तंग नहीं आए थे, मैं तंग आ गई। आप तंग आ गई थी, कोई खास वजह क्या आपको ज्यादा मतलब? ये पाकिस्तान की मार्केट है ना, मसला ये है। तो आप हिंदुस्तान की मार्केट में काम करना चाहते? पाकिस्तान में लोगों की जो थिंकिंग है वो और तरह से है। अच्छा, और तरह से कुछ क्लाइंट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, कुछ जो होते हैं। तो आप किस तरह की थिंकिंग चाह रही हैं आप? मतलब कि जो बात की जाए वो सुने ना, वो अच्छा, आगे लेफ्ट राइट ना जाए। लेफ्ट राइट कोई कहेगा कि आप हमारे साथ डिनर कर लें, कोई ये कर लें, आप पॉलिसी छोड़ें, मेरी तरह तो नहीं डिनर कर। अच्छा, मेरी तरह तो नहीं बात काट देते हैं, बोल लेते हैं, ऐसे तो नहीं आपको मिलेगा? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आप जाती होंगे सर पॉलिसी, वो कहते हो पॉलिसी के बाड़े में आओ चलते खाने, ऐसे ही आप जाती होंगे पॉलिसी, पॉलिसी होती रहेगी, आओ नाश्ता कर लें, डिनर कर लें। अच्छा अच्छा, आप पॉलिसी लेके जाती होंगे, कहते होंगे आज बहुत प्यारी लग रही है, आपके शूज बहुत अच्छे हैं, फिर आप कहती होंगे मैं चेक कर रहा हूं आपको। मैनेजर जाते थे मेरे। अच्छा अच्छा, प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। और आप हमेशा इस तरह ड्रेसअप होके जाती थी? अच्छा ठीक है ठीक है। इस वजह से मुझे तो नहीं, आप कुछ रिएक्ट करेंगे मैं अगर कहूँ आप मेरे साथ खाने पे चले यार आज बहुत प्यारी लग रही है? अच्छा अच्छा, आप क्या करना चाहेंगे, थप्पड़ मारेंगी, जूती मारेंगी, क्या करेंगे? मैं इस तरह का मिसबिहेव नहीं करती, मैं ब्लॉक कर देती। या आप एने को उतार के फेंकेंगे? सीधा सीधा ब्लॉक कर देती हूं। ब्लॉक कर देंगी? शॉकिंग न्यूज, शो के बाद ये मुझे ब्लॉक कर देंगी। अच्छा, और कितनों को ब्लॉक कर चुकी हैं अब तक आप? मेरी लिस्ट में ऑलमोस्ट 300 के करीब करीब लोग ब्लॉक हैं। यानी कि आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं मुझ समेत। अब ये ब्लॉक नहीं हुए। सही सही, ठीक ठीक।
सही, यानी कि मैं मेरी ब्लॉकिंग पक्की है इसके बाद, शो के बाद। नहीं सही, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फेवरेट ग्लासेस किस तरह की पहनती हैं आप इसके अलावा? और मतलब मैं इतना कोई क्रेज नहीं है मुझे ग्लासेस का, मुझे वॉच का शौक है। अच्छा, ग्लासेस लगा के दिखाएं जरा एक बार आप, यही वाली पहने पहने, एक मिनट पहने आप, पता नहीं कैसी लगी। नहीं नहीं पहने 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 पहने, वाह वाह क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। आप मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए साइन है, जबरदस्त। ये भी शॉकिंग न्यूज, मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिया को साइन कर लिया। प्रोजेक्ट क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा जी, यानी कि आपको एक्टिंग में बहुत ज्यादा शौक है इसका मतलब। ठीक, सही। अच्छा ये बताइएगा दिया कि फॉर यू पे जाने का क्या क्या ट्रिक है? ये सब फजूल ट्रिक्स हैं जो लोग कहते हैं बस फॉर यू पे जाना है, ये करें आप यहाँ से लाइक करें, यहाँ से पता नहीं क्या करें, पता नहीं थ्री डॉट्स पे जाएं, पता नहीं क्या क्या। तो थ्री डॉट्स क्या है? मुझे क्या पता, मैंने फोर डॉट्स का सुना हुआ है। थ्री डॉट्स या फोर डॉट्स आई डोंट नो। अच्छा, बट मैंने वैसे कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया ना, तो एक दफा मैंने खोला। नहीं, क्यों नहीं ट्राई किया? ऑप्शंस ही नहीं आते जो वो बोल रहे होते हैं, वो ऑप्शंस। आपको फेमस होने का शौक नहीं? मुझे शौक है। तो क्यों नहीं होती हैं? पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ट्रिक बता रहे थे, तो फिर क्या बकवास ट्रिक है, बेकार ट्रिक है? बेकार ट्रिक, यानी कि मैसेज दे रही है ओपनली टिकटॉकर्स को, मैसेज दे रही है कि ट्रिक बेकार है, बेकार है, यूजलेस ट्रिक है, ये फेक ट्रिक है। ऐसे ही है, लेकिन मैंने सुना बहुत सी फीमेल्स इस ट्रिक को यूज करके काफी रेटिंग उन्होंने पकड़ ली है। मुझे इस चीज का नहीं आईडिया। आपको आईडिया नहीं? अच्छा ठीक है, तो अगर आप टिकटॉकर ना होती तो क्या होती? मैं शेफ होती। आप शेफ होती? अच्छा, आपको अच्छा 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 अच्छा, ये भी आप शौक रखती हैं। सबसे अच्छी डिश क्या बना लेती हैं अंडा फेंटने के अलावा? सबसे अच्छी उल्लू से ही बना लेती हूँ। उल्लू से बना लेती जी जी, क्या बात है क्या बात है, यानी कि आप मुझे काफी देर से उल्लू बना रही हैं। अच्छा ठीक है, उल्लू बनाती भी है, उल्लू पकाती भी है? हाँ। हमारे यहाँ तो कुछ एम्बेसीज के लोग उल्लू खाते भी हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में ट्रेंड है कुछ तो कोरियन से। आप वहाँ पे होते होंगे तो आपको बेहतर पता। आप सही कह रही, मुझे एक बार उन्होंने ऑफर की थी, लेकिन मैंने जैसे उल्लू चखा खट्टा बहुत था, मैंने छोड़ दिया उसको। और मैं इसके बाद जो है बहुत कुछ खाने वाले, वो क्या खाने वाले मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं खाऊंगी, मैं आपके साथ बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगी। आप कुछ नहीं कहेंगे? अली भाई आप सुन रहे हैं, आज जब छुट्टी पे है तो आपकी गैर मौजूदगी में ये मेरा फायदा उठा रही है, बहुत कुछ खाने खिलाने की बातचीत कर रही है जी। तो अगर आपको जो है अचानक से कोई चीज प्रेजेंट की जाए और वो पता लगे बाद में वो खोता निकले, तो आप क्या रिएक्शन होगा? वो आपको कहे जी बीफ है और बाद में पता लगे जो गधे का गोश्त है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं खाती चिकन हूँ ना। नहीं, आपको पहचान है वैसे गोश्त की? गोश्त की नहीं, इतनी कोई खास पहचान नहीं। आप कभी बीफ आपने नहीं खाया? बीफ खाती हूँ, मतलब जो घर पे मामा लेकर आए वही बस खाती हूँ। हमारे वो मतलब जो गाँव टाइप के होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट जुमेरात वाले दिन आप जानवर करते हैं वो सामने और सामने वाले दिन नमाज पढ़ जुमे वाले दिन नमाज बेशक वो मुर्दा भी खिलाते हैं, पर जुमे को नमाज पढ़ के वो बख्शवा लेते हैं। अच्छा बख्शवा लेते हैं, अच्छा अच्छा, यानी कि मुर्दा भी खाएंगी आप? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अगर मुझे पता होगा तो। बेसिक मैं चिकन लाइक करती हूं। अच्छा, अब तक कितने लोगों को मार चुकी है, मतलब प्यार में अपने? पता नहीं कितने मर गए होंगे, पता नहीं। अच्छा, मर चुके होंगे। 300 बंदे तो ब्लॉक हो चुके हैं। वो ब्लॉक है। उन्होंने आपको क्या शादी की ऑफर की थी? नहीं, पता नहीं कैसे ब्लॉक है, मैं तो खुद भी सोचती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि ब्लॉक कैसे है। यानी कि बहुत कॉन्शियस है कोई आपके, मतलब मैं कोई रॉन्ग नंबर से मैसेज आएगा तो मैं पूछूंगी कौन, वो आगे से बोलेंगे कि भाई आप ये बात करें। अच्छा, आपको रॉन्ग नंबर भी आते हैं? हाँ, रॉन्ग नंबर आती है, तो वो मैंने उसको ब्लॉक, क्योंकि मैं मार्केटिंग में थी तो ये जो मेरा नंबर है ज्यादातर मतलब सारे वो पता है आपको क्लाइंट्स वगैरह के पास भी होता है, आगे पीछे आपके कार्ड्स पे छपे होते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, हमने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं अपने कार्ड्स वगैरह। अच्छा, तो उस पे वो नंबर होते हैं, तो अब कहीं ना कहीं से कॉल आ जाती है। हर तरफ कार्ड फेंक देती होंगी? फेंकती नहीं हूँ, बस दे देती हूँ, सामने जाके दे देती हूँ, वो पकड़ लेते हैं बाद में। मुझे तो याद नहीं है मैं कितने लोगों को अपने नंबर दे चुकी। अच्छा अच्छा, उसके बाद जब कॉल, सबसे इंटरेस्टिंग ऐसी कॉल, आपको रॉन्ग कॉल आई और आपने आपके दिल की मुंह भर के में गालियां दी? हाँ, एक बंदा था। कौन था वो शख्स? पता नहीं कौन था, मुझे कौन था वो आदमी, कौन था वो लड़का, मुझे कॉल करके कहता है कि मैंने आपका नंबर फलां फलां से लिया, मैंने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने कहा मैंने जॉब छोड़ दी है। कहता नहीं 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 नहीं, मैंने तो करवानी है आपसे, और मतलब बार बार कॉल करके मैंने उसे ब्लॉक कर दिया सिंपल। अच्छा, मतलब वो फजूल में दिमाग खा रहा था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए लड़कों फेमस डायलॉग्स, फेमस डायलॉग, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, होते सब एक जैसे, सब एक जैसे होते हैं। शॉकिंग न्यूज़ है, डायरेक्टली मेरे पे आ रही है कि होते सब एक जैसे, तुम भी ऐसे ही हो। अच्छा, तो बस वो डायलॉग एक होता है कि भाई, तो मैंने उसे कहा कि भाई देखो मुझे सारे चेक करने की आदत नहीं है, कि मैं तुम्हें भी देखूं कि हां तुम वैसे हो या नहीं हो। मतलब आप चेक भी करती हो लड़कों को? मैं चेक नहीं करती। कैसे चेक करती? नहीं मैं चेक नहीं करती, मींस कि बातें करते हैं ना कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, भाई बाकी लड़कों के जैसे नहीं है हम लोग, हमारे। अच्छा, वो नहीं, फेमस डायलॉग क्या है वो मुझे बताएं लड़कों का ना, कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, और जो शादीशुदा मर्द होते हैं उनका सबसे फेमस डायलॉग होता है कि मर्द को चार शादियां जायज है। अच्छा। उन्हें
उन्हें हदीस या कुछ नमाज कुरान आता ही नहीं आता, ये पता है कि भाई चार शादियां, बस हर टाइम वो लड़की कुंडी डालने के चक्कर में होती है कि चार शादियां जायज है, आप दूसरी कर सकती हैं, तीसरी कर सकती हैं, भाई हम अवेलेबल है, आप दूसरी भी करना चाहें तो कर सकती हैं, चार शादियां जायज हैं। उसमें कितने शादीशुदा थे और कितने गैर शादीशुदा थे ये बताएं। शादीशुदा लोगों से तो मुझे नफरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद बाहर चक्कर चला रहे होते। अच्छा ये बताएं फिर शादीशुदा लड़कियां क्यों कुंडियां डालती हैं जब लड़के डालते हैं? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं ना, जब होंगी तो अगर डाली कुंडी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई हां मैंने डाली, अब ये रीजन। अच्छा आपने अभी तक शादी नहीं? नहीं पक्की बात? हाँ। अच्छा मैं इसमें दो तीन हो चुकी हूँ। नहीं दो तीन करने की चीज है, वो तो लड़के करते हैं ना, वो तो आप लोगों का फेमस डायलॉग है। अच्छा, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, है आपको शौक? मैं एक ही शादी करना चाहती हूँ। एक ही शादी का सिंगल? वो शादी हो शादा हो कुछ भी हो। ओ क्या बात है, क्या शौकी नहीं हो? जिनकी फ्रेंड शादा आज मौजूद नहीं है तो वो भी अपने साल देके आती। अच्छा मैंने सुना आपकी फ्रेंड भी है जिनका आप शादा है तो शादियां करवाती है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? अच्छा गलत सुना है मैंने, ठीक है। शादी का शौक नहीं, आप चाहती एक हो सुतरा हो, बेशक बूढ़ा हो चलेगा। नहीं बूढ़ा क्यों? आप तो नहीं है शादी एक करती। अच्छा आप डिजर्व नहीं करती जी? ये बुढ़ा डिजर्व ही नहीं करती, ये छोटा बच्चा डिजर्व करती है। 8 साल 2 महीने और 2 घंटे? ना 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 ऐसा भी नहीं है। अच्छा क्या कैसा आपने लड़का आपने माइंड में रखा है, किस तरह का होना चाहिए? मुझे मेरे जैसा होना चाहिए? नहीं मुझे हाइटेड लड़के पसंद है। ओए होए मेरा नंबर गया, मेरा अली भाई मैं तो गया, मैं तो गया। हर लड़की ने मुझे इनकार कर दिया, अली भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, हाइट नहीं बड़ी ना। ओहो क्या बात है, बिल्कुल सही कह रही है, मेरी हाइट नहीं बड़ी, मैंने बचपन में बॉर्न पीटा नहीं पिया था। बॉर्न पीटा मैं क्या करूँ, पीड़िया शोरी में मेरे आस पास से नहीं गुजरा ना, क्या करता हूँ। सही। अच्छा ये जिन लड़कों की हाइट छोटी ना क्या टिप देंगी कि ऊंचे होने का क्या टिप? मुझे क्या पता, क्या बचपन में खुद ही हो जाते ना, अब मैं थोड़ी उनको बचपन में कौन होता है खुद ही हो जाते क्या, क्या आप खींच खींच के लड़के लंबे करेंगे, आप बाल खींचेंगे उनके आप? बट मुझे हाइटेड लड़के अच्छे लगते। अच्छा कितनी हाइट होनी चाहिए? ऑलमोस्ट 6'6"1। अच्छा आपकी कितनी हाइट है? मेरी 5'4" 5'4" है। अच्छा 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 आपकी 5'4" है और आपको 6 फुट के लड़के चाहिए, क्या बात है जी, क्या मुझे पसंद है। देखिए मैं हील पहन के उनके बराबर हो सकती हूं। अगर लड़का आपको रिजेक्ट कर दे, लड़का कहे मेरी हाइट से ज्यादा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगता है? मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये भरोसा नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। नहीं कर सकता। कभी ट्राई किया आपने कोई खूबसूरत हैंडसम से लड़का आपके पास? नहीं लड़के ट्राई करते, मैं ट्राई नहीं करती। अच्छा आपने अब तक किसी भी ट्राई नहीं किया? वो लड़के खुद ही ट्राई कर लेते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अच्छा और फिर आप ब्लॉक कर देती हैं? नहीं ब्लॉक नहीं करती, कुछ दोस्त भी हैं मेरे। अच्छा अच्छा अब आई ना बात पे। जी जी बिल्कुल 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 जी। शौकी न्यूज इनके कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने छुपा के रखे हैं, कभी ये पर्दे के बीच छुपा लेती हैं, कभी ये बेड के नीचे छुपाती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनको ये छुपा ही देती हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा थोड़े से दोस्त हैं, बट थोड़े से दर्जन एक होंगे? दर्जन नहीं है, 3-4। 6 के करीब? 3-4। तीन चार? हाँ। पूरे 6 कर लेना, फिगर हो जाएगी। फिगर कैसे करूँ, अभी बाहर जाके फंसाने लग जाऊँ, 2 लड़के और फंसा लेती हूँ कि भाई 6 के 6 हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा 3 से 4 है? अच्छा ठीक है 3 से 4 है, ठीक है सही। तो वो आपके क्या कोलीग्स में से हैं या आउटडोर के हैं? कोलीग्स थे मेरे। कोलीग्स थे लेकिन मर गए कोलीग्स थे? नहीं मींस कि मैंने जॉब छोड़ दी, उनमें से भी बल्कि सब नहीं जॉब छोड़ दी इंश्योरेंस की। अच्छा आप ही खातिर छोड़ी होगी जॉब? नहीं। अच्छा शादीशुदा है, टेंशन ना ले। अच्छा चारों शादीशुदा है? चारों शादीशुदा नहीं है, एक उनमें से शादीशुदा है और बल्कि 2 की शादियां हो गई हैं और एक पठान है। अच्छा एक पठान है? इंसान नहीं है वो, पठान है। वो कहता है कि पहले मैं पठान हूँ फिर मैं मुसलमान हूँ। उसे पूछा कि आप मुसलमान हैं, वो कहते हैं नहीं मैं पहले पठान हूँ फिर मैं। ये क्या लॉजिक है पता नहीं क्या, कुछ पठान कहते हैं हम पठान, हम पठान है इंसान नहीं है। हाँ, मतलब ये मैं नया लफ्ज सुना, मुसलमान नहीं है वो, नहीं मुसलमान नहीं है। हाँ। मुसलमान है बट वो सेकंड पे मुसलमान है, पहले वो पठान है। पहले वो पठान। हाँ। अच्छा 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 सही, ये मसला। यानी पठान आपको पसंद है? मैं खुद पेशावर की पैदाइश हूँ। अच्छा पेशावर की पैदाइश, मेरी पठानों से बहुत लगती है। अच्छा बहुत लगती है। आप कश्मीर की भी है मैंने सुना है? मैं बेसिक कश्मीर की हूँ बट मैं पैदा पेशावर CMH में हुई हूँ। अच्छा आपकी लाइफ में बड़ा झोल है ये। हाँ झोल। पेशावर और मतलब फिर मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे ना। अच्छा आर्मी। हाँ, अच्छा, इसलिए अच्छा, वो पोस्टिंग होती रहती थी। अच्छा तो हम लोग ऑलमोस्ट 8 साल पेशावर में रहे। अच्छा सही से राइट ठीक। अच्छा ये बताएं कि टिकटॉक कितने अरसे से बना रही हैं? मैं ऑलमोस्ट 3 साल से बना रही हूँ बट मैंने प्राइवेट रखा हुआ था। अच्छा अभी एक मंथ हुआ मैंने उसको प्राइवेट से हटाया। क्यों? ऐसे ही मतलब जब मैं टिकटॉक देखती हूँ वो मेगन जैसी, वो जो आती है बीच में पागलों जैसे एक्ट कर रही है। मेगन कौन? मेगन क्या? मेगन उसका नाम है टिकटॉक का ना, लड़की है एक, तो वो लड़की का नाम इंडियन है? नहीं पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी अजीब सी उसकी टिकटॉक्स होती हैं, अजीब से मतलब
पता नहीं कैसी है वो, पागलों वाली हरकतें करती है। आप सब कॉपी करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, 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 नहीं। एक मतलब अजीब अजीब लड़कियां फेमस हुई हैं, मैंने कहा कि मतलब वो हो सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, यानी कि आपको फुल फ्लेज्ड नाज है अपने। अच्छा, एक राउंड का वक्त आ चुका है। वैसे तो मैं आपके साथ बहुत सारे राउंड खेल चुका हूँ काफी देर से, मैं आपको राउंड एंड राउंड एंड राउंड किए जा रहा हूँ, लेकिन राउंड का टाइम हो चुका है, आप तैयार हैं? वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, तैयार हो वैसी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक और राउंड आपके साथ खेलने जा रहा हूँ, पक्की बात? जी, रैपिड फायर राउंड का वक्त हुआ जाता है, हम खेलते हैं इनके साथ, बल्कि मैं खेलता हूँ उनके साथ रैपिड फायर राउंड। जी, एक सवाल एक जवाब, पॉलिटिक्स या शोबिज? शोबिज। क्यों? शोबिज ग्लैमरस है। ग्लैमरस, ग्लैमर, क्योंकि आप भी ग्लैमरस है इसलिए आप चाहती हैं। ठीक, ऑब्वियसली। दिल या दिमाग? दिल। किसका? अपना। अपना दिल, अच्छा, खुद गर्ज है, अपने दिल से खेलती रहती है, सही। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, आप तो बड़ी सीधी सादी सी लग रही है। मतलब घर वाले की मर्जी से शादी करें? हाँ। जो लड़का सामने आ गया, बस हाइट लंबी होनी चाहिए, बेशक काला स्याह हो। नहीं, काला भी ना हो, ऐसा नहीं मैंने अच्छा, कहा काला भी ना हो, नहीं, लंबा चौड़ा भी और गोरा चौड़ा भी हो। क्या हो? पर्सनैलिटी हो। पर्सनैलिटी हो। अच्छा, स्पेलिंग आते हैं आपको पर्सनैलिटी के? स्पेलिंग आते हैं आप? आते हैं। अच्छा, स्पेलिंग आते हैं, ठीक है। टी या कॉफी? दोनों नहीं। दोनों नहीं? अच्छा, नहीं आपका शराब पीती? नो, कुछ भी नहीं, कोक पीती हूं। कोक स्टिंग। कोक स्टिंग, अच्छा, ठीक है, सही। रेडियो या टीवी? टीवी। टीवी, टीवी, नॉट टीवी। हाँ या टीवी। अच्छा, टीवी, टीवी, वो मेरे जरा थोड़े कान कमजोर हैं। बिरयानी या निहारी? बिरयानी। बिरयानी, अच्छा। हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। क्यों? आई लाइक। अगर आपको वहां से किसी हीरो की ऑफर आए? अभी फिल वक्त ऐसा नहीं हो सकता, पहले पाकिस्तानियों की ऑफर आ जाए। अच्छा, यानी कि आप इंतजार में कि किसी ऑफर है, कोई तो है। अगर आपको वहां से ऑफर आती है तो किसके साथ काम करना चाहेंगे? वहां से ऑफर आती है? अच्छा, ये तो बस। ये तो बस। सिंगिंग या लिप सिंग? लिप सिंग। अच्छा, टिकटॉक या लाइकी? टिकटॉक। फेसबुक या इंस्टा? इंस्टा। कॉल या टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओए होए होए, हाथों को थकाना है आपने और दूसरों को रुलाना है आपने। मॉम या डैड? मामा। मामा, नॉट मॉम। नो, मॉम, मामा। मामा, मामा, अच्छा, मामा, नॉट मॉम। प्यार या पैसा? प्यार, पैसा, दोनों, दोनों, अच्छा, दोनों, दोनों की जान पकड़ के रखी है। अच्छा, आप तो बड़ी तेज है, प्यार पैसा दोनों से खेलना चाहती हैं आप, यानी कि पहले प्यार करेंगी फिर पैसा लेंगी और फिर दोनों करेंगी, फिर दोनों, फिर दोनों करेंगी, सही हो गया। पैदल या कार? कार। कौन सी वाली? सिविक। सिविक, देखिए कितनी ब्रांड कॉन्शियस है ये, क्या बात है, बंदे फंसा फंसा के मरेंगी, जो सिविक वाला होगा कहेंगी एक्सक्यूज मी नो, यस यस यस, वो खुद ही आ जाएंगे, मसला नहीं है, खुद ही आ जाएंगे, क्या बात है, क्या बात। जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप? क्या कि सिविक वाला कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे सिविक तो मेरे पास भी है, आज वापसी मैं ही आपको ड्रॉप करूंगा ताकि कुछ बात बन जाए। अली भाई समझा करे, आप तो लड़की फंस गई, आज डन है, डन है, आज लड़के से जान छुड़ानी हो से कहे तो ड्राइव मैं खुद करूंगी। अच्छा, हाँ। तक गाड़ी मारे जाके खम्भे बैठा तो वो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं अपनी गाड़ी को लेके ना। हां सही बात है, बहुत कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, आप मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं? आप इनडायरेक्टली मेरे पे लाइन मारे थे इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं गाड़ी खुद चलाऊंगी। मैं बहुत ढीठ मैं। अच्छा, आप वायरल होना चाहती हैं इसलिए बात कर रही हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट आप पे लाइन मार रहा हूं। नहीं, आप इनडायरेक्ट मार सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, मेरे कार्ड्स गिरने वाले, मेरे साथ ही दे रहे। अच्छा, कोई खूबसूरत सा मैसेज आप देना चाहिए ऑडियंस को? किस टाइप का? नहीं, किस टाइप का, क्या मेरे टाइप का मत दीजिएगा, अपने टाइप का दीजिएगा। क्या मैसेज दूं? कुछ समझ में नहीं आ रही आपको? नहीं जी, इनको कुछ समझ नहीं आ रही क्या मैसेज दें। इनको सिविक वाले लड़के पसंद है, 6 feet इनको जो है लड़के पसंद है, मतलब हर लिहाज से आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी चाहिए। मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये मैसेज नहीं दे पा रही, शायद अब इनकी जबान का साथ नहीं दे रही, तो मैं देता हूँ मैसेज। मैसेज ये है कि खूबसूरत लड़कियों से दूर रहें और जब भी और खूबसूरत लड़कियों से दूर रहें और ये कि जब भी कोई लड़की आपको कहे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती तो उससे बात मत करें, नहीं तो वो आपको ब्लॉक कर देगी, लॉक कर देगी और भरी महफिल में आपको वो पंच कर देगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत इस कीर के साथ कि मैं अगले हफ्ते दोबारा आऊँगा आपके साथ नए शो, नई गेस्ट और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। Allah Hafiz.